नमस्कार और आपके पसंदीदा साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। कहावत है कि रोज एक सेब खाने से आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। क्या आप जानते हैं सेब से भी बेहतर क्या है? हंसी। हंसना हमेशा याद रखें, क्योंकि जिस दिन आप हंसते नहीं हैं, वह दिन बर्बाद माना जाता है। सच्चे अर्थों में यह दुनिया की सबसे अच्छी दवाई है। आज के इस समाचार कैप्सूल की हाइलाइट्स हैं: श्रीलंका के संकट की व्याख्या। गूगल आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने वाली एक नई तकनीक पर काम कर रहा है। पिछले हफ्ते दक्षिणी अमेरिका में देखी गई स्पेस जेलीफिश। समय से पहले फूलों का खिलना क्लाइमेट चेंज का प्रतीक है। नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। टीनेज टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारज ने जीता साल का चौथा खिताब। और एपिसोड समाप्त करेंगे हमारे फन और फैक्ट्स सेगमेंट के साथ। चलिए आज शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। आई ग्रास्पर्स, क्या आप श्रीलंका में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के अवगत हैं? फॉरेन करेंसी की भारी कमी के कारण सरकार फ्यूल और ऑयल जैसे जरूरी सामान का इंपोर्ट भी नहीं कर पा रही है। इस वजह से श्रीलंकन सिटीजन्स को 13 घंटे तक बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि सरकार को पिछले महीने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेने के लिए बातचीत करने से पहले अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करना पड़ा था? मौजूदा महंगाई की वजह यही है। हालांकि इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि संकट की जड़ लगातार बनी सरकारों का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, जिससे कर्ज की दोहरी कमी पैदा हो गई है और ऐसी स्थिति बन रही है। पिछले महीने से हजारों प्रदर्शनकर्मी सड़कों पर उतर आए हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री माहिदा राजपक्सा को इस सप्ताह की शुरू में अपनी पद से रिजाइन करना पड़ा है। इसके पश्चात रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ली और फिर से श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में वापसी की। हमें उम्मीद है कि इस ऑनगोइंग क्राइसिस का शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। गूगल एक नई प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसमें कैमरों का उपयोग किए बिना यूजर्स की मूवमेंट और बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है और इसका और विश्लेषण किया जाता है। यह नई तकनीक शरीर की गतिविधियों का अध्ययन करने और आपके मूड और इशारों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने के लिए रडार का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप किसी कंप्यूटर के पास जाएंगे तो बिना बटन दबाए यह बूट होने लगेगा, या टीवी देखने के दौरान जब आप वॉशरूम के लिए उठेंगे तो रडार टेक्नोलॉजी के उपयोग करने से इसे स्पेटियल एनवायरनमेंट में बदलाव महसूस होगा और यह टीवी को पॉज कर देगा। यह पहली बार नहीं है कि गूगल ने अपने डिवाइसेस को उपयोग करके स्पेटियल एनवायरनमेंट के आधार पर भावनाओं को महसूस करने का प्रयास किया है। 2015 में उन्होंने पिक्सेल 4 के अंक के रूप में सोली सेंसर को पेश किया था, जो आपके हाथों के गेस्चर से अलार्म को स्नूज करने जैसे विभिन्न कार्य करता था। हम अपने दैनिक जीवन में इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को देखने के लिए उत्सुक हैं। पिछले हफ्ते जॉर्जिया में एक कैमरे ने एक रहस्यमय वस्तु को आकाश में घूमते हुए देखा। वस्तु स्पेस जेलीफिश की तरह लग रही थी, क्योंकि यह ब्राइट थी, तेज थी और इसके पिछले हिस्से का ऑरा तिरछा चमक रहा था। हालांकि बाद में यह पता चला कि यह स्पेस जेलीफिश को यूएफओ नहीं बल्कि फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट था। एरोडायनामिक्स के प्रोफेसर क्रिस कोम्स ने समझाया कि इस शेप के पीछे टाइमिंग और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन था। जेलीफिश का लंबा ब्लॉबी बॉडी इंजन नोजल से निकलने वाला धुआं था और सनराइज के समय इसके मेल खाने से रॉकेट का ऑरा दिख रहा था। इस रॉकेट की आश्चर्यजनक तस्वीरें ऑनलाइन देखिए। जापान अपने चेरी ब्लॉसम पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है।
ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ों के खिलने से वसंत की शुरुआत का संकेत मिलता है। लेकिन आई ग्रास्पर्स, क्या आप जानते हैं कि चेरी ब्लॉसम सीजन उम्मीद से पहले शुरू हो गया है? जापान के क्योटो शहर में 26 मार्च को 2021 का सीजन अपने पीक पर था। पिछले 1200 साल पहले तक दर्ज की गई ये अर्लीस्ट डेट है। वॉशिंगटन डीसी में भी शहर के प्रसिद्ध चेरी के पेड़ इस साल 21 मार्च को अपने पीक पर खिले थे। पिछली एक सदी में ये पेड़ इस बारे सबसे पहले खिले थे। साइंटिस्ट का कहना है कि ये बदलाव पिछले 20 सालों में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से हो रहे हैं। वार्निंग साइंस हमारे चारों ओर है और हमें कलेक्टिव एक्शन के साथ इस जलवायु संकट का जवाब देना चाहिए। एक नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर पिछले साल बनाया अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। कामिरीता शेरपा ने पिछले सप्ताह 10 अन्य शेरपा क्लाइंबर्स को लीड करते हुए ट्रेडिशनल साउथ ईस्ट रिज रूट का रास्ता लेकर 8,848 मीटर ऊंची पर्वत चोटी को फतह किया है। क्या आप जानते हैं कि कामी ने चढ़ाई के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जिस पर 1953 में इस चोटी पर पहली बार चढ़ने वाले न्यूजीलैंड के सर एंडम हिलेरी और नेपाल के शेरपा टैंजिंग नॉर्गे गए थे। हम उन्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं। इस सप्ताह के शुरू में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की स्टार एलिसा हिली और दक्षिण अफ्रीकी पुरुष स्पिनर केशव महाराज को अप्रैल का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। क्राइस्टचर्च में महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में 170 रन की मैच जिताओ पारी के बाद हिली को अप्रैल में स्टैंड आउट महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। वहीं दूसरी तरफ आईसीसी विश्व स्टेट चैंपियनशिप श्रृंखला में स्पिनर महाराज को घरेलू सरजमी में बांग्लादेश पर अपनी हालिया जीत में गेंदबाजी में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार मिला। हम दोनों विजेताओं को बधाई देते हैं। पिछले हफ्ते स्पैनिश टीनेज टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने मैड्रिड ओपन में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को सीधे सेटों में हराकर एक और शानदार सप्ताह को अंजाम तक पहुंचाया और दो मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ज़्वेरेव पर उन्होंने 6-3-6-1 से आसान जीत दर्ज की। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपने आइडल राफेल नडाल को और सेमीफाइनल में टॉप रैंक नोवाक जोकोविच पर जीत हासिल की थी। क्या आप जानते हैं कि अल्कारस पहले ही टॉप 10 में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि नडाल ने 2005 में ऐसा किया था। हम यह देखने के लिए बेसब्र हैं कि वे अब आगे क्या करने वाले हैं। फूड डिलीवरी की दिग्गज कंपनी स्विगी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह जल्द ही सेलर एंड स्टोर्स और ड्रॉप पॉइंट्स के बीच इन्वेंट्री को फिर से भरने के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा। भारत में रियल वर्ल्ड ट्रायल का यह अपनी तरह का पहला प्रयास है जिसमें ड्रोन का उपयोग किराने की डिलीवरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया जाएगा। चेन्नई स्थित भारतीय ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस इस ड्रोन को बनाने का काम करेगा। यह ड्रोन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से उड़ सकता है और 15 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। हम उन्हें जल्दी ही उनका काम करते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। बॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए वे डिज्नी प्लस सीरीज मिस मार्वल के साथ अपना डेब्यू करेंगे। कैरेक्टर के बारे में विवरण को गुप्त रखा गया है, हालांकि ये अफवाह है कि वो कुछ एपिसोड्स में गेस्ट अपीयरेंस करेंगे। मजेदार बात यह है कि एक्टर फवाद खान भी इसी सीरीज का हिस्सा है। मिस मार्वल 8 जून को प्रीमियर के लिए तैयार है और इसमें ईमान वेलानी को कमला खान के रूप में पेश किया गया है। ये जर्सी सिटी की परी बड़ी एक मुस्लिम अमेरिकी है। इस शो के प्रोमोज और अन्य विवरण ऑनलाइन देखें।
रोम के उत्तरी इलाके के बड़े हिस्से में पिकनिक पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि एक मृत जानवर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पता चलने के बाद हेल्थ अथॉरिटीज जंगली सुअर की आबादी पर नकेल कसने की कोशिश कर रही हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सुअरों और जंगली सुअरों के लिए घातक है, लेकिन मनुष्यों के लिए यह हार्मलेस है। और यह पहली बार है जब इटली की राजधानी में इसका एक मामला देखा गया है। इसने सरकार को बीमारी के खत्म करने के उपयोग को लागू करने के लिए एक स्पेशल हेल्थ ऑफिशियल नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया है। क्या आप जानते हैं कि रोम में लगभग 23,000 जंगली सुअर रहते हैं और उन्हें अक्सर कूड़ेदान में से खाते हुए देख सकते हैं, और यहाँ तक कि रात में ये लोगों पर हमला भी कर देते हैं। हमें उम्मीद है कि अधिकारी इस इमरजेंसी का समाधान निकालने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह का मुहावरा है झक मारना, जिसका मतलब है व्यर्थ में समय नष्ट करना। दीपक की बातों पर ध्यान ना देना, वो तो झक मारता रहता है। बूझो तो जाने, कल बनता धड़ के बिना, मल बनता सिरहीन, थोड़ा हूँ पैर कटे तो अक्षर केवल तीन। कमल। पहचानो कौन, इस ब्रिटिश सिंगर ने अपने मूल गीत के लिए कुल 15 ग्रामी अवार्ड्स और एक ऑस्कर अकादमी अवार्ड जीता है। इनके नाम इसके लिए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं कि इंटरनेशनल चार्ट्स पर इनके 4 एल्बम के गीत लगातार 21 सप्ताह तक पहले पायदान पर रहे हैं, और जिस उम्र में इन्होंने एल्बम बाजार में उतारे उसी के आधार पर उन्होंने इनके नाम 19, 21, 25 और 30 रखे थे। इनका सबसे पॉपुलर गाना समवन लाइक यू है। जी हाँ, ये अडेल ही है। क्या आपको मालूम है कि इनका गाया हुआ स्काईफॉल नामक गाना आज तक का जेम्स बॉन्ड म्यूजिकल थीम का एकमात्र ऐसा गाना है जिसने ऑस्कर जीता है। क्या आपको मालूम है कि रेनबो ग्रास हॉपर्स उत्तरी अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यह बहुत ही सुंदर जीव बेहद स्थानीय प्रजाति के होते हैं। इनकी त्वचा वाइब्रेंट कलर से बनी होती है, जिसमें गहरे काले रंग की त्वचा पर पीले, लाल और हरे रंग के पैटर्न होते हैं। औसतन लगभग 20 से 35 मिलीमीटर की लंबाई वाले इन आर्थ्रोपॉड्स के पंख नहीं होते हैं। हालांकि इनके शरीर के चमकीले रंग के कारण शिकारी इनकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, और इससे ये आसानी से अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते हैं। क्विज टाइम। वर्ष 1843 में इंद्रधनुष टिड्डों का वर्णन करने वाले पहले जर्मन कीट विज्ञानी कौन थे? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। अंतरिक्ष में वह स्थिति जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण लंबे दिखाई देते हैं और भारहीन महसूस करते हैं, माइक्रोग्रेविटी कहलाती है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर द खैतान स्कूल नोएडा के नमन कौशिक का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए बस इतना ही। मत भूलिए कि हंसी उस सूरज की तरह है जो दुनिया को रोशन करता है और अपने चारों ओर की हर चीज को जीवन देता है। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते।